वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर आरसी मार्कशीट तक, आपकी जिंदगी से जुड़े वो जरूरी डॉक्यूमेंट जिन्हें आप हर हाल में सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें अब आपको हर कहीं अपने साथ लेकर नहीं चलना होगा। अब आप इन्हें एक क्लिक पर व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं। सरकार ने डिजी लॉकर की सुविधा को व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दिया है। इसके लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल पर सेव करना होगा। सरकार का ये नंबर आधार के माध्यम से डिजी लॉकर से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से आपने अपने जो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में सेव किए हैं उन्हें आप व्हाट्सएप पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कैसे होगा, चलिए पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। सबसे पहले माई गवर्नमेंट का हेल्प डेस्क का नंबर 9013151515 अपने मोबाइल में सेव करना होगा। नंबर सेव करने के बाद आपको इस पर नमस्ते या हाय या डिजी लॉकर लिखकर सेंड करना होगा। इसके बाद चैटबॉट अपने आप एक्टिव हो जाता है और आपको आगे के लिए दिशा निर्देश देता है। चैटबॉट आपसे आपके आधार का प्रमाणीकरण करवाता है। प्रमाणित होते ही आपका डिजी लॉकर व्हाट्सएप से अटैच हो जाता है। इसके बाद आप किसी भी दस्तावेज को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है, डिजी लॉकर क्या है, चलिए वो भी समझा देते हैं। डिजी लॉकर या फिर डिजिटल लॉकर, ये एक वर्चुअल लॉकर होता है। इसमें आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि जैसी चीजें सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी होता है। इसमें आप कई तरह के सरकारी प्रमाण पत्र भी स्टोर कर सकते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए आपको आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP का इस्तेमाल करना होता है। व्हाट्सएप के जरिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए वो भी समझाते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, CBSE 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, 12वीं कक्षा की मार्कशीट, बीमा पॉलिसी दस्तावेज, ये सब डॉक्यूमेंट आप एक क्लिक पर आसानी से व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मौजूद माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क से आप सरकारी सुविधाओं का फायदा भी आसानी से उठा सकते हैं। ये सुरक्षित होने के साथ साथ आसान भी है। अब तक 80 मिलियन से ज्यादा लोग माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क तक पहुंच चुके हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।